फिशिंग हमारी पुरानी आदत रही है। जब हम लोग गांव पर रहते थे तो हमारे यहाँ सरयू नदी बहा करती थी, उसमें हम लोग फिशिंग के लिए जाते थे। एक हमारे बाबा ग्रैंडफादर थे, वो मछली बाबा थे, मतलब प्रोफेसर भी थे, लास्ट में झाबुआ कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो वो मछली मारने के बड़े शौकीन थे, वो हमारे यहाँ के जो सरयू नदी है उसमें अक्सर लेके चले जाते थे और मारा करते, हम लोग भी उनके साथ जाया करते थे। और देखिए इस समय ये मछली मारने का ये नया हथियार है, इसमें एक लगभग 2 मीटर की डंडी है, उसके साथ एक चरखी लगी हुई है और साथ में एक रेडीमेड मछली भी आ जाती है। इस डंडी की कीमत लगभग 3000 रुपये है और इस चरखी की कीमत लगभग 5000 रुपये है। और ये आर्टिफिशियल मछली है जिसमें कांटा लगे हुए हैं, इसकी कीमत 3000 रुपये है। लगभग इसकी कास्ट 1000 रुपये है। और क्योंकि मैं भी बहुत शौकीन रहा मछली मारने का, तो आज देखा। अभी मैं 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बहराइच में घाघरा ब्रिज का काम करवा रहा था, तो वहाँ हमारे काफ़ी जो मित्र लोग थे मछली मारते थे। मैं भी कभी कभी शौकीन मार लिया करता था। एक बार 1 किलो का रोहू भी फंसा था। और देखिए ये यहाँ की सावित्री नदी है और इसमें काफ़ी घड़ियाल भी हैं, काफ़ी मछली भी हैं और काफ़ी लोग मछली भी मारते हैं नाव से।